हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लक्ष्मण कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, जेई मेंस के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो आज आप वेट कर रहे हो थर्ड सेशन के जेई मेंस के रिजल्ट के बारे में। तो आज पॉसिबिलिटी है, आज हो सकता है रिलीज हो जाए रिजल्ट। रिजल्ट आ जाए हो सकता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ फोर्थ सेशन में, अगेन आपको बता देता हूँ फोर्थ सेशन के एग्ज़ाम कब होने हैं, ठीक है। 26, 27, 31 अगस्त, 1, 2 सितंबर को होगा, ठीक है, 2021। और मैं बता दूं आपको, देखो आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो कि जेई मेंस का थर्ड सेशन का रिजल्ट कब आएगा। बच्चे मेरे से बहुत पूछ रहे हैं रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। देखो आप रखो, पेशेंस रखो। NTNS ऑफिशियली बोल दिया है कि रिजल्ट हो सकता है आज आ जाए, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आ जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। और आपको ऑफिशियली चेक करते रहना है वेबसाइट पर जाके, jeemains.nta.in, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, मेनली जाके आपको चेक करते रहना है कि भाई एग्ज़ाम रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। और यहाँ मैं बता दूँ आपको, और इसी वीडियो में आपको बता दूंगा मैं कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है, ठीक है। आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है, वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आएंगे, ठीक है, फरवरी, मार्च और मई। जो ठीक है, फरवरी का रिजल्ट होगा, मार्च का रिजल्ट होगा और मई का जो हमारा होगा वो, ठीक है। तो जो मई का रिजल्ट होगा वही आपको फाइंड करना होगा, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुआ। जब रिलीज़ होगा तो वहाँ पे ऑप्शन मई का भी आ जाएगा, ठीक है। वहाँ मई डालोगे, अपना रोल नंबर डालोगे, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर डालोगे और अपना आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे, उसके बाद कैप्चर डाल के आप फाइंड कर सकते, अपना डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, रिजल्ट। और सिर्फ 1 मंथ टाइम बचा है, तो हमें पूरा मन लगा के हमें पढ़ना है, ठीक है। और मैं बता दूँ आपको, ठीक है, टाइम टेबल की वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है, तो आप उसको देख लें, ठीक है। और आपको ट्राई करना है कि टाइम टेबल फॉलो करना है। टाइम फॉलो का मतलब क्या, कि आपको ट्राई करना है कि 1 मंथ में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस जो है आप ख़त्म कर सको, ठीक है। बाकी वीडियो का मेरा मोटो तो ये था कि आप पेशेंस, जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है, तो रिजल्ट हो सकता है आज आ जाएगा, उन्हें तो पॉसिबिलिटी है, फुल पॉसिबिलिटी है। एनटी ने अपने ऑफिशियली बता दिया है कि रिजल्ट रिलीज्ड हो जाएगा बहुत सून, ठीक है, बहुत। और आप रेगुलरली चेक करते रहें जेई मेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि आपको कैसे जेई मेंस का एग्ज़ाम का डेट पता करना है, या फिर जेई मेंस का रिजल्ट कब पता करना है। तो जेई मेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो, दो लिंक आपको मिलेगा। आपको दो, पहला लिंक होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के, जो बहरीन में जो कैंडिडेट थे हमारे, उनको जो अभी नहीं कर पाए थे लॉकडाउन में, वो कैसे अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं फिर से। ये फर्स्ट लिंक वो है जो कि आपके काम का नहीं है। सेकंड लिंक है हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है थर्ड सेशन के लिए। तो थर्ड सेशन में जो बच्चे, जो एग्ज़ाम था हमारा हुआ है, जो कि ख़त्म हो चुका है हमारा, ठीक है, जिसका रिजल्ट के लिए हम वेट कर रहे हैं, तो उसका आप एडमिट कार्ड के लिए है। देखो हमारा दो ही लिंक अभी ओपन है, तीन लिंक हमारे अब तक ओपन नहीं है, जो कि हमारे रिजल्ट के लिए है। देखो इसी वेबसाइट पे आपको सब मिल जाएगा, जोसा काउंसलिंग के लिए, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप क्लियर कर जाओगे जोसा काउंसलिंग, NTA का NTA ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, देखो, ठीक है। यहाँ से आप सब चेक कर सकते हो, जोसा काउंसलिंग, CSAP काउंसलिंग, जो ये कॉलेजेस, जो 400 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, वहीं से आप कॉलेजेस में जा सकते हो, यहीं से अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको jeemains.nta.in। बाकी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।